वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं इंस्टाग्राम रील ट्रेंडिंग फोटो वीडियो एडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं वीएन एडिटर में, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो इसे आज हम क्रिएट करने वाले, कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। एंड अब अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहले वीएन एडिटर को ओपन करना एंड प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। देन फोटो के ऊपर आपको आना होगा एंड यहाँ पे आपको अपनी फोटोज को सेलेक्ट आउट करना है। ठीक है, तो मैं कुछ फोटोज को सेलेक्ट कर दो, 5-6 फोटो की रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है, तो कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेना। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो फोटोज ऐड हो चुकी। अब इनमें आपको एक छोटा सा चीज करना होगा, ओरिजिनल के ऊपर आना है एंड 9:16 को सेलेक्ट करके अपने फोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। अगर पूरा स्क्रीन में एडजस्ट नहीं है तो इसे आप अप कर देना, मीन्स जूम कर देना, एंड अगर पूरा स्क्रीन में एडजस्ट है तो कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इन सभी को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट जस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद यार ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक म्यूजिक ऐड करना है, जिसका डाउनलोड लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। म्यूजिक कैसे ऐड किया जाता है, म्यूजिक वाले प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, देन अपने म्यूजिक को चूज करेंगे। ठीक है, तो चूज करने के बाद हमें म्यूजिक मिल चुकी है। नाउ डन के ऊपर क्लिक करते ऐड हो गया। अब म्यूजिक ऐड हो गया ना, अब इसमें आपको कुछ बीट सुनाई देने वाले। ठीक है, इसे आप प्ले करोगे तो कुछ बीट आपको सुनाई देंगे, वो सारे आपको बीट मार्क करके यहाँ पे रखना होगा। तो बीट मार्क कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, बीट के ऊपर जाएंगे एंड इसे प्ले करेंगे। ठीक है, आपको जहां जहां बीट सुनाई देता है, स्पेशली यार देखो ये कुछ सेकंड के बाद ही सुनाई देने वाला है, मीन्स यहाँ से 6 सेकंड के बाद से, तो आप को इसके ऊपर टैप करना होगा, फिर से प्ले करना, बीट मिला फिर टैप करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टैप करते जाना है जहां जहां बीट मिले। अब देखो यार मैं माइक यूज करूं तो मुझे सुनाई तो देने वाला नहीं है सर, बट मुझे ये पता है कि जहां पे ये ऊपर जाते हैं ना वहां बीट रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अंदाज से बीट मार्किंग कर ले रहा हूँ, आप यार परफेक्टली कर लेना। ओके, नाउ इस तरीके से ये बीट करना होता है, देन डन के ऊपर क्लिक करना है। तो सेकेंड स्टेप ये हुआ कि म्यूजिक को ऐड करना एंड उसमें बीट ऐड करनी होगी। ठीक है, देन थर्ड स्टेप ये है कि फर्स्ट वाले फोटो ऐड किए हो, इस वाले फोटो का ड्यूरेशन आपको फर्स्ट बीट तक रखना है, मीन्स इतना दूर तक आपको रखना होगा। ठीक है, एंड ये वाला पार्ट को हटा देना है। देन सेकेंड वाले फोटो का ड्यूरेशन सेकेंड वाले बीट तक रखना है, तो यहाँ से मैं इसे इस तरीके से कर देता हूँ। थर्ड वाले का ड्यूरेशन थर्ड वाले बीट तक रखना है। ओके, तो इस तरीके से आपको बीट मार्किंग के हिसाब से अपने फोटोज को ऐड करना होगा एंड ऐड करने के बाद आपका समझ लो तो लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसे हम सिंपली से डन करते ना, उसके बाद देख सकते हो यार हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप भी कर लिया। देन फोर्थ स्टेप में हमें इसमें एनिमेशन एंड वो जो व्हाइट वाला फ्लैश इफेक्ट था उसे ऐड करना है। फोर्थ स्टेप करने के लिए एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे व्हाइट आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसको सेलेक्ट करना है, इसका ड्यूरेशन मैक्स करना है, जितना दूर तक हो सके उतना दूर तक कर देना। ठीक है, बट यार फोटो के लास्ट तक हमें चाहिए, तो फोटो के लास्ट तक तो जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे डन करते एंड जहां तक ये इफेक्ट है वहां तक स्प्लिट करते, फिर से एफएक्स के ऊपर आएंगे, फिर से व्हाइट को सेलेक्ट करेंगे एंड अब इसे लास्ट तक लेके जाएंगे। भाई नहीं होगा तो हमारे पास तो जुगाड़ है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जुगाड़ लगा लेना ना। उसके बाद यार देखो ये फ्लैश इफेक्ट कुछ ज्यादा ही स्पीड में आ रहा है, तो एफएक्स के ऊपर जाके इसका पीरियड को जस्ट बढ़ा देना, देन डन करना। अगेन सेम काम यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, फ्लैश इफेक्ट अच्छे तरीके से हमारा ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप ना। उसके बाद नेक्स्ट हमें इन सभी में एनिमेशन ऐड करनी, तो कौन से एनिमेशन ऐड करनी, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रांजिशन के ऊपर आना, जूम को सेलेक्ट करना, देन डन के ऊपर क्लिक करना एंड इसी तरीके से सभी में जूम सेलेक्ट करना है, तो जूम को सेलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई टू ऑल कर देंगे, सो डैट सभी में जूम आ जाए। बट आपको पता होगा ये स्टार्टिंग में हमें रिक्वायर्ड नहीं है, सो यहाँ पे डन कर देंगे एंड इन सभी में हमें रिक्वायर्ड था तो हो गया। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे एफएक्स के ऊपर, देख सकते हो ये वाला। ठीक है, ये लॉन्ग वाला जो वीडियो वो खत्म हुआ, देन नेक्स्ट जो छोटे छोटे फोटोज हैं उन फोटोज पे आएंगे एंड एफएक्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जस्ट आपको एक जूम आउट करके ऑप्शन मिलता है, इसे सेलेक्ट करेंगे और पूरा फोटो में अच्छे से अप्लाई करेंगे, डन करेंगे, फिर से नेक्स्ट वाले फोटो के ऊपर जाएंगे, फिर से जूम आउट को सेलेक्ट करेंगे एंड इसे पूरा वीडियो में हम, सॉरी यार पूरा फोटो में हमें ऐड करना है, वीडियो में ना जाने क्यों बार बार बोल रहा हूँ, छोड़ो हटाओ, सभी में हम ऐड कर लेते हैं जूम आउट इफेक्ट को। ठीक है, एंड जूम आउट इफेक्ट को जैसे ही आप सभी में ऐड कर लोगे, आपका जो वीडियो है वो बन के रेडी हो चुका है। मैं इसे प्ले करके आपको दिखा दो, आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट आया, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा ये जूम इफेक्ट आने वाला है, से के
और शेक इफेक्ट और वीडियो बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना होता है, बहुत ही सिंपल है। म्यूजिक के हिसाब से जस्ट आपको यहाँ पे बीट्स को ऐड करना था एंड उसके हिसाब से अपने फोटो को ऐड करके यार हो गया, वीडियो बन चुकी। अब इसे HD में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते, बहुत ही सिंपल है। बट एक बार मैं और वीडियो को प्ले करके देख ले रहा हूँ सही से हुआ या नहीं, तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है वीडियो हमारी। ठीक है, अब HD में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्टर बटन के ऊपर टैप करेंगे एंड ये देख सकते हो, इसे आप सिंपली सब 4K तक लेके चले जाओ, 4K में आपको एक्सपोर्ट होगा। देन डन के ऊपर क्लिक करना, वीडियो बन के रेडी हो चुकी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।